जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर डायरी विधा से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। डायरी और यात्रा साहित्य विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, तो सभी लोग आ जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न दिए गए हैं, ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर। इस ऐप की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। डायरी विधा की शुरुआत किस पत्रिका से मानी जाती है, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? चार विकल्प आपके दिए गए हैं, राजीव जी, स्वतंत्र जी, तन्मय जी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपके लिए चयन करना है। डायरी विधा की शुरुआत किस पत्रिका से मानी जाती है? और आप सभी का सही राइट आंसर है हंस, रूपाब, लहर या फिर शारदा। तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर एक में विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया है लहर उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर है। मेरी कॉलेज डायरी किसने लिखी है, ये डायरी आपके लिए बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दो का सही राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर दो में सुंदरलाल त्रिपाठी, धीरेन्द्र वर्मा, अस्क या फिर अज्ञे। तो दो का सही राइट आंसर है, मेरी कॉलेज डायरी किसने लिखी है? तो मेरी कॉलेज डायरी धीरे से पढ़ना, धीरे से पढ़ना से धीरे से क्या हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा। तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, ज्यादा अपनी कम पराई किसने लिखी है, इस रचना को बताइए, इसकी रचना किसने की है, चयन करना है सभी के लिए। ज्यादा अपनी कम पराई, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर या उपेंद्र नाथ अस्क। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या है? तो बिल्कुल सही प्रदीप जी, यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है, उपेंद्र नाथ अस्क आप सभी का सही आंसर है। ज्यादा अपनी कम पराई ये रचना किसकी मानी जाती है? उपेंद्र नाथ अस्क जी की लवली जी, बिल्कुल सही ये राइट आंसर उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन की डायरी है ये, बच्चन जी की डायरी आपके लिए बताना है, एक साहित्यिक की डायरी, मेरी जेल डायरी, प्रवास की डायरी या फिर भागीश्वर। क्वेश्चन नंबर चार में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मानसी मिश्रा जी, आप सभी का यहाँ पर चार में सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया प्रवास की डायरी, प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी मानी जाती है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर बबीता जी, माला जी, सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली मेरा परदेश किसने लिखा है, दिल्ली मेरा परदेश इस रचना को आपके लिए बताना है, चयन करना है सही राइट आंसर क्या होगा। रघुवीर साय है, सत्येंद्र अवस्थी है, अजित कुमार है या रघुवंश है। क्वेश्चन नंबर पांच आपसे पूछा गया है और पांच का सही राइट आंसर और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर है रघुवीर सहाय। दिल्ली मेरा परदेश है जहां पर रघुवीर सहाय करेंगे, तो दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर है। सैलानी की डायरी ये रचना किसने लिखी है, क्वेश्चन नंबर छह में बताना, रघुवीर सहाय, राजेंद्र अवस्थी, अजित कुमार या रघुवंश। छह का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही आंसर,
कंचन जी, अंश जी और आप सभी का सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में सैलानी की डायरी के लेखक पूछा गया है जो कि राजेंद्र अवस्थी माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया राजेंद्र अवस्थी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है एक साहित्यिक की डायरी ये किसने लिखी है, इस रचना को आपके लिए बताने, इसकी रचना किसने की है, मुक्तिबोध ने, रविंद्र कालिया, शमशेर या फिर रेणु। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है एक साहित्यिक की डायरी, तो ये रचना किसने लिखी है ये पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा एक साहित्यिक की डायरी, ये मुक्तिबोध जी ने इसकी रचना की है। तो विकल्प नंबर आप सभी का ए वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है स्मृतियों की जन्मपत्री ये इसकी रचना किसने की है, बताइएगा, रामविलास शर्मा ने, रविंद्र कालिया ने, शिव पूजन सहाय ने या फिर रेणु। क्या होगा सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया स्मृतियों की जन्मपत्री और आप सभी का 8 में सही राइट आंसर है कि रविंद्र कालिया। विकल्प नंबर आप सभी का जो बी है मैं आप सभी का सही राइट आंसर होगा रविंद्र कालिया। आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, तन्मय जी, अर्चना जी, बहुत बढ़िया, मंजू जी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया है वन तुलसी की गंध इसकी रचना किसने की है, 9 में आपके लिए चयन करना है शिव पूजन सहाय ने, रेणु ने, शमशेर या फिर अजित कुमार ने। वन तुलसी की गंध चयन कीजिएगा, ये रचना किसकी मानी जाती है, इसकी रचना किसने की है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, बन तुलसी की गंध इसकी रचना की है किन्होंने, रेणु जी ने। विकल्प नंबर आपका जो बी है भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, डायरी के नीरज पृष्ठ ये रचना किसने लिखी है, बताइएगा, कमलेश्वर ने, इलाचंद जोशी ने, मोहन राकेश ने या नामवर सिंह ने। 10 का सही आंसर बताना है डायरी के नीरज पृष्ठ और आप सभी का यहाँ पर रेणु जी, अंश जी, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है कि डायरी के नीरज पृष्ठ इसकी रचना की है किन्होंने, 10 का भी राइट आंसर होगा इलाचंद जोशी जी ने। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है एक असाहित्यिक की डायरी, देखिए अब यहाँ पर एक असाहित्यिक की डायरी पूछा है आपसे, जानकी वल्लभ शास्त्री है, किसने लिखी है रचना, जयप्रकाश नारायण या फिर बिशन टंडन या रामेश्वर रांतिया। 11वां क्वेश्चन है और 11 का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा चयन कीजिएगा सभी लोग, एक असाहित्यिक की डायरी इसकी रचना किन्होंने की है और 11 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि जानकी वल्लभ शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जिन्होंने ए चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 12 क्या पूछा गया है, 12वां क्वेश्चन देखिएगा, मनबोध मास्टर की डायरी इसके लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग चयन कीजिएगा सही राइट आंसर, बताइए, रमेश चंद्र साय है, विवेकी राय है या कृष्ण बलदेव वैद्य है या तेजिंदर है। मनबोध मास्टर की डायरी इसकी रचना किसने की है और आप सभी का तनुजी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 12 में, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है। मनबोध मास्टर की डायरी को बड़े विवेक से पढ़ना है तो विवेक ही राय आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, सभी लोगों ने यहाँ पर विवेक ही राय जो है चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ख्वाब है दीवानों का
ख्वाब है दीवानों का, ये रचना किसने लिखी है बताइएगा, कृष्ण बलदेव वैद्य ने या फिर विवेकी राय ने, रमेश चंद्र साह ने या रामदास मिश्र ने? 13 का सही राइट आंसर बताइए। ख्वाब है दीवानों का और इसकी रचना किसने की है ये पूछा गया है आपसे, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, क्या होगा सही राइट आंसर? 13 में एक सही राइट आंसर है कृष्ण बलदेव वैद्य, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। देश देशांतर ये रचना किसने लिखी है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, मोहन राकेश नामवर से, कमलेश्वर या नरेंद्र मोहन? देश देशांतर, स्वतंत्र गुप्त जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, 14 का सही राइट आंसर बताना है, देश देशांतर रचना किसने लिखी है, तो कमलेश्वर राखी जी जिन्होंने भी इसी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही राइट आंसर है, देश देशांतर रचना कमलेश्वर की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया मलयज की डायरी इसकी रचना किसने की है, क्वेश्चन नंबर 15 है बताइएगा, नामवर सिंह ने, सत्यदेव ने, वाल्मीकि चौधरी ने या सीताराम सैकरिया ने? तो ब्रजपाल जी क्वेश्चन नंबर 15 है मलयज की डायरी के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का 15 में सही राइट आंसर क्या होगा? तन्मय जी नहीं, जो है व्रत नहीं है आज, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है मलयज की डायरी ये किसने लिखी है ये पूछा गया है आपसे, तो 15 का आप सभी का सही राइट आंसर है नामवर सिंह, नामवर सिंह आप सभी का सही राइट आंसर है। मलयज ने जो डायरी लिखी थी वह सिर्फ नाम के लिए लिखी थी, नाम के लिए, तो मलयज की डायरी नामवर सिंह आपका विकल्प नंबर 1 जो है सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा गया है कि आपातकाल की डायरी किसने इसकी रचना की है, 16 में आपके लिए इन दोनों विकल्प में से ही आपको चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, चंद्रशेखर या फिर बिशन टंडन? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है निशा जी, दुर्गेश जी, और आपातकाल की डायरी ये रचना किसने लिखी है, 16 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी बिशन टंडन, बिशन टंडन आप सभी का सही राइट आंसर है, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साथ साथ मेरा साया किसने लिखी है रचना बताइए, नरेंद्र मोहन, कृष्ण बलदेव वैद्य, विवेकी राय या रामदास मिश्र? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर है साथ साथ मेरा साया, ये किसने लिखी है इस रचना के लेखक आपके लिए बताना है और इसके लेखक माने जाते हैं नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन, नरेंद्र बोल रहे हैं मोहन से साथ साथ मेरा साया, नरेंद्र बोल रहे हैं किससे, मोहन से, क्या बोल रहे हैं, साथ साथ मेरा साया, तो तेरे साथ साथ मेरा साया, बिल्कुल सही। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, यात्रा साहित्य विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिएगा सरयू पार की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरयू पार की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर अज्ञे हैं? तो आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, सरयू पार की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक आपसे पूछा गया है जो कि भारतेंदु जी माने जाते हैं, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सही राइट आंसर चयन करना है महेश प्रसाद है
राहुल शान कृत्यायन है, शिव प्रसाद गुप्त हैं या सत्यदेव परिव्राजक हैं। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि दो में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है सी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। दिलीप जी, शिव प्रसाद गुप्त आप सभी का सही राइट आंसर है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। लाइक अवश्य कर लेंगे यहाँ पर, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करते जाइएगा सभी लोग। अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है, तो अज्ञे आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी वाला जो है सही राइट आंसर होगा। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में आपके लिए चयन करना है, नागार्जुन है, अज्ञे है, राहुल शान कृत्यायन है या स्वामी सत्यदेव है। चार का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक ऊंचा जो कि राहुल शान कृत्यायन जी माने जाते हैं। ये सभी के लिए पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। रोल लीजिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर पांच में ये आपको यहाँ पर चयन करना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो आप सभी का विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर है। डी यानी कि मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी और यात्रा चक्र, ये वाला जो है आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर चार वाला जो है, डी वाला जो है भाई, आप सभी का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर छह देखते हैं कि धरती लाल गुलाबी चेहरे के लेखक कौन माने जाते हैं। छह में सभी लोग चयन करेंगे सही राइट आंसर क्या होगा। तो राहुल शान कृत्यायन है, सत्यदेव परिव्राजक है, कन्हैया लाल नंदन है या फिर अज्ञे है। धरती लाल गुलाबी चेहरे, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा धरती लाल है और गुलाबी चेहरा किसका था। तो आप सभी का सही आंसर है कि गुलाबी चेहरा था कन्हैया जी का। तो धरती लाल गुलाबी चेहरे, तो कन्हैया से कन्हैया लाल नंदन आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर साथ पूछा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की, यात्रा वृत्त की कृति आपके लिए चयन करना है कौन सी है, बताइएगा। सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और तो आप सभी का सही राइट आंसर अंश जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का एक साथ में सही राइट आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर सी वाला जो है सही राइट आंसर है, सी यानी कि पैरों में पंख बांधकर, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, तो पैरों में पंख बांधकर आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत राहुल शान कृत्यायन का नहीं है। नहीं आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, मेरी तिब्बत यात्रा या विलायत यात्रा, यात्रा के पन्ने या चीन में कम्यून, बताइए। तन्मय जी बिल्कुल, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। और बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आठ में यहां पर, टमाटर जी क्या राइट आंसर,
बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में, जिन्होंने भी चयन किया बी उनका सही राइट आंसर है कि यात्रा वृत्तांत राहुल सान के चयन का नहीं है, बिलायत यात्रा आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ हुआ कब से, इसका जो है लेखन आरंभ हुआ ये आपसे पूछा गया, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से या प्रगतिवाद से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए चयन करना है यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ कब से हुआ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सागर जी, और 9 का सही राइट आंसर है कि भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग आप सभी का सही राइट आंसर होगा, भारतेंदु युग से जो है यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ होगा, विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 10, राह बीती किसका यात्रा वृत्तांत है, बताइए राह बीती यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे या फिर शिव प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का सही राइट आंसर क्या होगा, राह बीती किसका यात्रा वृत्तांत माना जाता है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विजय जी यशपाल जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है यशपाल, जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर एक उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, राह बीती यशपाल का यात्रा वृत्तांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि बद्रिकाश्रम यात्रा के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में आपके लिए बताना है प्रताप नारायण मिश्र है, पंडित दामोदर शास्त्री है, देवी प्रसाद खत्री है या सत्यनारायण है। 11वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर आप सभी का सी राइट आंसर होगा, देवी प्रसाद खत्री, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहां पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित व्रत माना जाता है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योति जी, और क्वेश्चन भी हो गए हैं, तो आप सभी का यहाँ पर 12 का सही आंसर है अज्ञे, राहुल सान प्रत्यायन या फिर यशपाल या राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है आपसे, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है, और ये तो सभी के लिए ही पता होगा, 12 का सही राइट आंसर है अज्ञे, अज्ञे आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, तो विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछा है, सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत किसका माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 में चयन करना है डॉक्टर रघुवंश या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय या प्रभाकर माचबे। 13 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत किसका माना जाता है, और 13 में आप सभी का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। चीड़ों पर चांदनी के लेखक कौन माने जाते हैं, 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 14 का सही राइट आंसर इन दोनों विकल्प में से ही बताना है, दीपक जी बताइए, मिन्ना यादव जी, निर्मल वर्मा है या बलराज साहिनी है। और बिल्कुल सही राइट आंसर है चीड़ों पर चांदनी के लेखक आपसे पूछा गया है, तो 14 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा आप सभी का विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। आखिरी चट्टान के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव है या फिर मोहन राकेश है या रामदरस मिश्र है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या होगा सही राइट आंसर, आखिरी चट्टान के लेखक बताना है, 15वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा
आखिरी चट्टान के लेखक जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? मोहन राकेश। सरोज जी बिल्कुल मोहन राकेश आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है देश और देश विदेश नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। श्वेता जी बताइएगा, संध्या जी क्या होगा सही राइट आंसर? देश विदेश नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक आपसे पूछा गया है। और लाइक तो बहुत ही कम लोगों ने किया है अभी, यहाँ पर आधे से आधे लोगों ने भी लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर लें। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए रोज रात्रि में 10 बजे। और देश विदेश नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक माने जाते हैं कौन? तो विकल्प नंबर आपका एक सही राइट आंसर होगा दिनकर। दिनकर आप सभी का सही आंसर है। जब आप देश विदेश की यात्रा करो तो दिन में करना, ये तो ये देश विदेश ये यात्रा वृत्तांत है। देश विदेश की यात्रा करो तो यात्रा से यात्रा वृत्तांत, और कब करना है यात्रा? दिन में करना है, तो ये दिनकर जी का यात्रा वृत्तांत माना जाता है। विकल्प नंबर एक जो है सही राइट आंसर होगा। हरी घाटी के लेखक कौन माने जाते हैं? 17वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती है, श्रीकांत वर्मा है, डॉक्टर रघुवंश है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र है? तो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है ललित जी, और यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर होगा। हरी घाटी के लेखक माने जाते हैं कौन? तो वह माने जाते हैं डॉक्टर रघुवंश। रघुवंश जी माने जाते हैं इसके लेखक। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है? पृथ्वी प्रदक्षिणा मानी जाती है, विलायत यात्रा मानी जाती है, अमेरिका दर्शन मानी जाती है, सरयू पार की यात्रा बताइएगा। 18वां क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक की बात करें 18 में, तो विकल्प नंबर आप सभी का डी राइट आंसर होगा। सरयू पार की यात्रा आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। सरयू पार की यात्रा विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 19 पूछा गया है। लवली जी, तनु जी, प्रीति जी, सत्यपाल जी, कौन सी कृति श्रीकांत वर्मा की है? भाई कृति आपके लिए चयन करना है, बताइए। अप्रवासी की यात्राएं, अपोलो का रथ, यादें यूरोप की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो श्रीकांत वर्मा जी की कृति आपके लिए बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 19 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, अपोलो का रथ। अपोलो का रथ ये जो कृति मानी जाती है वह श्रीकांत वर्मा जी की मानी जाती है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए? डॉक्टर नगेंद्र है, सेठ गोविंद दास है, डॉक्टर बच्चन है, या फिर यहाँ पर निर्मल वर्मा है? अनुका जी क्या है सही राइट आंसर? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर ए सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 21 पूछा गया है, यहाँ पर उड़ते चलो यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का सही राइट आंसर बताना है। प्रभाकर माचबे है, या फिर निर्मल वर्मा है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, या राम कुमार वर्मा है? उड़ते चलो यात्रा वृत्तांत माना जाता है। उड़ते चलो और थक जाओ तो वृक्ष पर बैठ जाओ, तो ये जो है वृक्ष से राम वृक्ष बेनीपुरी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, विकल्प नंबर 3। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति मानी जाती है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अज्ञेय, यशपाल, अस्क, या फिर जैनेन्द्र?
क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 22 है और 22 का सही राइट आंसर बताना है लोहे की दीवार के दोनों ओर, और आप सभी का सही आंसर है कि विकल्प नंबर जो बी है मैं आप सभी का सही राइट आंसर होगा यशपाल। यशपाल आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर मोहित जी चयन किया है। यशपाल जी की कृति मानी जाती है लोहे की दीवार के दोनों ओर। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 23वां क्वेश्चन है, पार उत्तरी कहीं जाई हो के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। धर्मवीर भारती है, प्रभाकर माचबे है, डॉक्टर रघुवंश है या प्रभाकर द्विवेदी है। अनिल जी क्या होगा सही राइट आंसर, 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और कन्हैया लाल जी आप सभी का सही राइट आंसर होगा पार उत्तरी कहां कह जाई हो के लेखक माने जाते हैं कौन, तो आप सभी का सही आंसर है प्रभाकर माचबे। प्रभाकर माचबे बिल्कुल सही राइट आंसर है। वंदना देवी जी बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आप सभी का डी जो है वह सही राइट आंसर होगा। हाँ लवली जी, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 पूछा गया है, आंखों देखा पाकिस्तान के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताना है। विष्णु प्रभाकर है, मोहन राकेश है, गोविंद मिश्र है या कमलेश्वर है, बताइए क्या होगा सही आंसर। 24वां क्वेश्चन है, आंखों देखा पाकिस्तान के लेखक आपसे पूछा गया है और आप सभी के लिए सही राइट आंसर चयन करना है, तो सभी का सही आंसर है आंखों देखा पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी इसके जो है लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, कमलेश्वर जी बोल रहे हैं आंखों देखा पाकिस्तान, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। गोरी नजरों में हम ये जो यात्रा वृतांत है इसके लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, रामधारी सिंह दिनकर है, अजित कुमार है या फिर प्रभाकर माचबे हैं या अज्ञे हैं, तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 23 का डी है राइट आंसर, बिल्कुल रॉली जी, और यहाँ पर 23 का आपका डी बिल्कुल सही, प्रभाकर द्विवेदी आप सभी का सही आंसर होगा। और यहाँ पर गोरी नजरों में हम यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 25 में विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, माचबे, प्रभाकर माचबे आप सभी का सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने जो कि यहाँ पर सही आंसर बताया है, हस्ता निर्जर धरती भट्टी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, हस्ता निर्जर धरती भट्टी के लेखक धर्मवीर भारती है, राजेंद्र अवस्थी है, विष्णु प्रभाकर है या फिर कन्हैया लाल नंदन है, और सही राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर मंजू जी, बहुत बढ़िया, 26 में विकल्प नंबर सी हस्ता निर्जर, निर्जर भी विष्णु की कृपा से हस्ता है और दहकती भट्टी, भट्टी भी दहकती है, तो विकल्प नंबर आपका जो सी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विष्णु प्रभाकर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, सफरी झोले में किसकी कृति मानी जाती है, इंदु जैन, अजित कुमार, रामदास मिश्र या विष्णु प्रभाकर, बताइए। सफरी झोले में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 27वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 27 में, कि कृति मानी जाती है किनकी, ये कृति मानी जाती है अजित कुमार, अजित कुमार राइट आंसर है, सफरी झोले में अजित कुमार की कृति मानी जाती है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने कार्तिक जी बहुत बढ़िया सही राइट आंसर चयन किया है। सैलानी की डायरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए, गोविंद मिश्र है, नरेंद्र मोहन है, नरेश मेहता है, राजेंद्र अवस्थी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का सही राइट आंसर चयन करना है क्या होगा वर्तिका जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है अंश जी, बहुत बढ़िया, सैलानी की डायरी के रचनाकार 28 में राजेंद्र अवस्थी, आपका विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, राजेंद्र अवस्थी माने जाते हैं सैलानी की डायरी के लेखक।
पड़ोस की खुशबू, पड़ोस की खुशबू के लेखक कौन माने जाते हैं? रामदास मिश्र है, विष्णु प्रभाकर है, धर्मवीर भारती है या डॉक्टर रघुवंश है। 29वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पड़ोस की खुशबू के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का सही राइट आंसर है कि पड़ोस की खुशबू के दरस हो गए। दरस से क्या हो जाएगा? रामदास मिश्र, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया। दीपक जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यातना शिविर में यात्रा वृतांत के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 आपसे पूछा गया है, चार विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए, यातना शिविर में यात्रा वृतांत के लेखक आपसे पूछा है, शिव प्रसाद से है, रमेश चंद्र साय है, हिमांशु जोशी है, कर्ण सिंह चौहान है। और बिल्कुल सही राइट आंसर 30 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यातना शिविर। यातना शिविर हिमांशु जोशी आप सभी का सही राइट आंसर है। हिमांशु जोश में आकर यातना शिविर में गए थे और बिल्कुल सही राइट आंसर है यातना शिविर, ये जो है यात्रा वृतांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 31वां क्वेश्चन है, लिबर्टी के देश में यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं? लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग, लाइक में जो है कोई कंजूसी नहीं करना है, सभी को लाइक अवश्य करना है। 31वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिबर्टी के देश में यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं? मंगलेश डबराल है, सीते सालूक है, मनोहर श्याम जोशी है, नासिरा शर्मा है। तो सभी का सही आंसर होगा सीतेश आलोक। सीतेश आलोक विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है मुकनाथ जी, उनका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 32 पूछा गया है, अंतहीन आकाश के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, अंतहीन आकाश के लेखक कौन माने जाते हैं? कमलेश्वर है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है, रमेश चंद्र साह है। 32वां क्वेश्चन है और सी जिन्होंने भी चयन किया 32 में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अंतहीन आकाश के लेखक माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प, आप सभी का सही आंसर है। जहां फब्बारे लहू रोते हैं, ये कृति आपके लिए बताना है रविंद्र कालिया जी की है या फिर ममता कालिया, नासिरा शर्मा या फिर मृणाल पांडे। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 33 पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या है? और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, जहां फब्बारे लहू रोते हैं किसकी कृति मानी जाती है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है नासिरा शर्मा। 33 का विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा नासिरा शर्मा, आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अकेला आकाश के लेखक कौन माने जाते हैं? 34वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वल्लभ डोभाल है, गोविंद मिश्र है, नरेश मेहता है या गिरधर राठी है। 34 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे, बताइए कितना अकेला आकाश के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का सही राइट आंसरों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प नंबर यहां पर संगीता जी सी राइट आंसरों का 34 में सी यानी कि नरेश मेहता। नरेश मेहता जी बोल रहे हैं कितना अकेला आकाश, बिल्कुल सही राइट आंसर इन्हीं की रचना मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, आधी रात का सफर के लेखक कौन माने जाते हैं? वल्लभ डोभाल है, सीतेश आलोक है, गिरधर राठी है या मंगलेश डबराल है, बताइए। 35वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी का सही राइट आंसर है आधी रात का सफर। आधी रात का सफर वही करेगा जिसके पास बल होगा।
क्या होगा? बल, तभी वो है आधी रात में सफर कर पाएगा। तो आधी रात का सफर के लेखक कौन होंगे? बल से क्या हो जाएगा? बल्लभ डोभाल। बल्लभ डोभाल आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 36 पूछा गया है। मैं कहती हूँ आंख ने देखी, कृति है ए, ये किन की कृति मानी जाती है बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। और बिल्कुल सही राइट आंसर है, मैं कहती हूँ आंख ने देखी, कृति बताना है, 36वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा मैं कहती हूँ आंख ने देखी, सच कहती हूँ, सच में मैं कहती हूँ आंख ने देखी, सच से सचदेव, पद्मा सचदेवा आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जो है बी जो है आप सभी का सही आंसर होगा। यात्रिक किसकी कृति है? यात्रिक बताना है, बताइएगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा शिवानी, सत्यदेव मलिक, पद्मा सचदेवा या ममता कालिया। क्या होगा सही राइट आंसर? सोचन राम जी, मुनेश जी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि यात्रा के किसकी कृति मानी जाती है, 37वां क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर है, यात्रक जो है शिवानी जी की कृति मानी जाती है, शिवानी आप सभी का विकल्प नंबर एक जो है वह सही राइट आंसर होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या कि लेखक कौन माने जाते हैं बताइए, पाकिस्तान का मतलब क्या, इसके लेखक आपको चयन करना है, विजय सहगल है, प्रदीप पंत है, असगर वजाहत है या शिवेंद्र है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपसे, 38वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है असगर वजाहत जी बोल रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, तो असगर वजाहत जी की ये कृति मानी जाती है, पाकिस्तान का मतलब क्या, विकल्प नंबर आप सभी का जो सी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 पूछा गया है कि मोहन जोदड़ो के लेखक कौन माने जाते हैं, मोहन जोदड़ो ये बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है महेश दर्पण है, ओम थानवी है, ललित सुरजन है या विजय सहगल है। 39वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कल्पना जी, बिल्कुल, तो आप सभी का क्या सही राइट आंसर, मोहन जोदड़ो एक फिल्म बनी है जो ऋतिक रोशन है जिसमें मोहन जोदड़ो और इसके लेखक कौन माने जाते हैं ये पूछा गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर 39 का बी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा, ओम थानवी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मोहन जोदड़ो की जो शूटिंग हुई थी आगे वाली जो है अब यहीं पर जबलपुर में जो भेड़ा घाट है वहीं पर उसकी जो मगरमच्छ वाली जो शूटिंग हुई थी वह जबलपुर में ही हुई थी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, कश्मीर के सैर कृति बताना है, किनकी मानी जाती है बताइए, शिव प्रसाद सैन, अजित कुमार शिवानी या सत्यवती मलिक। कश्मीर के सैर कृति आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण कृति है और ये किनकी मानी जाती है, 40 का सही राइट आंसर क्या होगा, 40 में चयन करना है, कश्मीर के सैर कृति किसकी मानी जाती है, तो ज्योति जी बिल्कुल, तो आप सभी का 40 में डी राइट आंसर है, सत्यवती मलिक। कश्मीर के सिर जो है सैर ये कृति किसकी मानी जाती है, तो सत्यवती मलिक आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया विकल्प नंबर डी, ज्योति जी बिल्कुल, दीपक जी नहीं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के जो हैं आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, रोज रात्रि में 10 बजे आपके लिए क्लास लाई जाती है, सुबह 9 बजे क्लास लाई जाती है इसी चैनल पर, ये दो क्लास इसी चैनल पर होती है, शाम को 4 बजे आपके लिए एक स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर एक क्लास लाई जाती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा, जो आज जो है वह क्लास नहीं हो पाई थी शाम को 4 बजे वाली, रोज आपकी ये क्लास चल
चलती है, सभी लोग इनसे जुड़िएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय, ये टेस्ट सीरीज है, मात्र 299 रुपए में। जो ही परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं, 47 इसमें प्रश्न होंगे और ये नंबर भी दिया गया है। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर लें। और जो ही परचेस करना चाहते हैं परचेस अवश्य करिएगा और लाइक अवश्य करके जाइएगा। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तनु जी, मंजू जी, लवली जी, रूबी बाला जी, निशा जी, मनीषा जी और पूजा जी, सोचन राम जी, निशा जी, मनीषा गिल जी, ज्योति जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी और शिल्पा जी और अंजलि जी, मनीष जी, दीपक जी, आस्था जी, दिनेश जी, ज्योति जी, सुनीता जी, मोहित जी, राखी जी, स्वतंत्र गुप्त जी और विनीता राजी, रौली जी, संगीता जी, सूरज सरोज जी, पायल जी और अनुका जी, मुखनत जी, अंश जी, कल्पना जी, आस्था जी, रौली जी और रूबी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी और सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लिया करिएगा। और ब्रजपाल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर करते जाइएगा। विजय ए शंकर जी और दीपक गिरी जी, सत्यपाल सिंह जी, रोज रात्रि में 10 बजे इसी तरह से जो है सभी लोग जुड़िएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहां पर लाए जाते हैं। विजय शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, लवली जी और शिल्पा जी, तो सभी के लिए लाइक शेयर करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।